ये देखिए स्टीरियोकेमिकल रिक्वायरमेंट ऑफ जूलिया ओलिफिनेशन लिख लीजिएगा। इसमें जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है वो ये होता है कि जूलिया ओलिफिनेशन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होता है। कैसा होता है? स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, और स्टीरियो सेलेक्टिव होने की वजह से मेजरली ये ई अल्किन देता है, ये ई अल्किन मेजर प्रोडक्ट के रूप में देता है। और दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि जूलिया ओलिफिनेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेस्ड मैकेनिज्म पे काम करता है। किस पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेस्ड मैकेनिज्म पे, जिससे कि रेडिकल जनरेट होता है और वो रेडिकल आगे जाके फिर एनायन फॉर्म होता है, जो कि हम आपको बताए अभी तुरंत कि पहले सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, फिर दूसरा सोडियम आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वो रेडिकल बनेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, और वो नेगेटिव चार्ज फर्दरली अटैक करके ओएसी को बाहर निकालेगा और डबल बॉन्ड बनेगा। लेकिन वो ओएसी और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो स्टीरियो केमिस्ट्री होना चाहिए दैट शुड बी एंटी। ठीक है, तो क्या कह रहा है? स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ जनरेटेड एनायन एंड लीविंग ग्रुप शुड बी एंटी टू गिव मेजर प्रोडक्ट। मतलब कि नेगेटिव चार्ज और लीविंग ग्रुप के बीच का जो स्टीरियो है वो एकदम एंटी होना ही चाहिए, तभी आपका मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद देखिए ये क्या कह रहा है। ये वही बात है जो हम आपको अभी मैकेनिज्म में बताए हैं। SO2 pH दे रखा है, R दे रखा है, R डैश है और OAC है। ठीक है, उसके साथ में क्या ले रखा है? सोडियम अमलगम ले रखा है, अपना इलेक्ट्रॉन दिया और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। तो इसमें देखिए यहां पर डबल बॉन्ड सॉरी यहां पर ये नेगेटिव चार्ज ना दे करके क्या दे रखा है? दो इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है, पता ही नहीं चलेगा कि ये नेगेटिव चार्ज है। ये एक्चुअली आपके कैरुथर का है, कैरुथर में इस तरह से ही लिखा हुआ है, लिख लीजिए कैरुथर में ये दिया हुआ है कि जूलिया ओलिफिनेशन हो रहा है फाइनली डबल बॉन्ड के बना के और ये ई प्रोडक्ट आपका बन रहा है। समझ गए? इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुक का ही क्वेश्चन करवाएंगे, कैरुथर करवाएंगे, देखिएगा। देखिए ये आपके पेपर का सॉरी बुक का एक क्वेश्चन है, दे रखा है आपके कैरुथर में। क्या दे रखा है? सबसे पहले तो SO2 pH दे रखा है, sp3 कार्बन पे लगा हुआ और उस पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ में दो रिएजेंट दे रखा है, फिर उससे कुछ बनाया और बाद में फिर MeSO2Cl और सेकेंड में सोडियम अमलगम ETOH दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ये जूलिया है या नहीं है। मतलब हमारा सबस्ट्रेट जूलिया का सबस्ट्रेट है या जूलिया का सबस्ट्रेट नहीं है। तो जूलिया में क्या होना चाहिए? सल्फोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सल्फोन होना चाहिए। तो और वो किससे होना चाहिए? sp3 कार्बन से होना चाहिए, और उस sp3 कार्बन के बगल में एक और sp3 कार्बन होना चाहिए, और उस sp3 कार्बन पर जो लगा हुआ होना चाहिए वो एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, तब दोनों के बीच में दोनों हटके डबल बॉन्ड बनता, ये हमारा जूलिया है। लेकिन यहां पर जो हमारा सबस्ट्रेट दे रखा है वो कुछ ये दे रखा है, तो आपको लग रहा है ये जूलिया जैसा कुछ? हमको तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये है, ये जूलिया ही है। कैसे है? इससे हमको सबस्ट्रेट बनाना पड़ेगा। यहां पर क्वेश्चन में सबस्ट्रेट दे नहीं रखा है, सबस्ट्रेट को जेनरेट करना है, तो कीजिए इससे आप सबस्ट्रेट जेनरेट कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। ये जो आपका है इसके ऊपर जब आप रिएक्ट करवाएंगे ब्यूटाइल लिथियम को, सबसे पहला आपका दे रखा है जो रिएजेंट वो ब्यूटाइल लिथियम दे रखा है। ब्यूटाइल लिथियम का क्या काम होता है? एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो इस यहां पर जो ये हाइड्रोजन होगा ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, तो इस हाइड्रोजन को हटाएगा और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा SO2 pH और ME। ठीक है, और अब ये क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज कार्बन न्यूक्लियोफाइल बन गया,
और कार्बन न्यूक्लियोफाइल बनने के बाद ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढेगा, कहां है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, देखिए नंबर दो में जो दे रखा है आपको वो कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है, और ठीक है ये नेगेटिव चार्ज यहां से आके इस पर अटैक कर देगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो बना लीजिए इसको C ठीक है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाँ, और यहां डबल बॉन्ड, और ये जो कार्बन है यहां पर इससे जोड़ दीजिए आप ये SO2PH और ME, इस कार्बन से इससे इसको नंबरिंग दे दीजिए, एक काम कीजिए यहां पर जो कार्बन है ये इसको नंबर A दे दीजिए और इसको नंबर B दे दीजिए, तो ये कौन सा है कार्बन नंबर A है, ये इससे एक O माइनस जोड़ दीजिए और इससे एक कार्बन और जोड़ दीजिए, कौन सा B वाला, और B वाले पे ग्रुप लगा दीजिए SO2PH और ME, ठीक है, ये आपका हो गया कार्बन नंबर A, कार्बन नंबर A, और ये हो गया आपका कार्बन नंबर B, कार्बन नंबर A और कार्बन नंबर B के बीच में बॉन्ड बन गया और ये ऐसा हो गया। अब देखिए अगला क्या दे रखा है आपको, अब इसका हम पहले वर्कअप करवा लेंगे H2O देके आगे, सॉरी H3O प्लस, H2O वर्कअप प्रोसेस करवा लेंगे H2O के प्रेजेंस में, ये O माइनस से OH हो जाएगा, क्या हो जाएगा O माइनस से OH हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन, तो ये ऐसा बन गया, और O माइनस, O माइनस से अब ये OH हो गया, ठीक है, और यहां पर ये SO2 PH और ME, ठीक है, ये सॉल्वेंट की वजह से न्यूट्रलाइज हो गया। अब क्या दे रखा है इसमें, अब अगला जो आपका रिएजेंट दे रखा है, हाँ ये देखिए ये यही बन गया, ये दिख रहा है आपको SO2PH ME सिंगल बॉन्ड C OH और ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब अगला जो आपको दे रखा है रिएजेंट वो MeSO2Cl दे रखा है, ये एक्चुअली आपका मिसाइल क्लोराइड है, क्या है मिसाइल क्लोराइड, ये सेम काम करता है, इसके ऊपर MS पे अटैक करेगा और Cl को बाहर कर देगा और ये MS जुड़ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली यहां पर अगले स्टेप में एक बेस होना चाहिए, कोई कह सकते हैं वीक बेस ले ले जो कि यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर सके, लेकिन इसमें लिया नहीं है आपके क्वेश्चन में, तो आप मान लीजिए कि कोई भी बेस है जो कि यहां से हाइड्रोजन को किसी तरह रिमूव कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन रिमूव होके कुछ ऐसा हो जाएगा, CO माइनस और
ठीक है, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा यहां से और हाइड्रोजन यहां से रिमूव होके O माइनस कर लेगा और अब ये O माइनस इस पर MSCl MSCl का अटैक होगा यहां और Cl लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा और OMS हो जाएगा। ये देखिए ठीक है, और ये हो गया आपका OMS ठीक है, SO2PH और ME ठीक है। अब देखिए ये जो OMS बना है यहां पर, अब अगले स्टेप में आपको दे रखा है सोडियम और Hg। इसका क्या काम होता है सोडियम और Hg का, हम आपको बता चुके हैं। अब जो आपका ये सबस्ट्रेट बना है इसको जरा ध्यान से देखिए, सबस्ट्रेट में आपको SO2PH दे रखा है और OMS दे रखा है जो कि लिविंग ग्रुप है, दोनों sp3 कार्बन पे है, दोनों एक दूसरे के एंटी है, तो ये आपका जूलिया का सबस्ट्रेट बन गया। और ये जूलिया के सबस्ट्रेट के ऊपर अब आपको दे रखा है सोडियम और Hg, वो क्या करता है इस दोनों को हटाता है और डबल बॉन्ड बनाता है। तो हम इतना आपको नहीं लिखाएंगे कि ये यहां से हटा रहा है या बॉन्ड बना रहा है, हम सीधा मैकेनिज्म आपको करवा चुके हैं, तो हम आपको डायरेक्ट लिखते हैं सोडियम अमलगम और हीट। ये सोडियम अमलगम और हीट जो है वो SO2PH और OMS को हटाकर कुछ ऐसा बनाता है, C डबल बॉन्ड C और देखिए C 1 2 3 4 और ये ऐसा हो गया और इस कार्बन से ME लगा हुआ है ठीक है, देख रहे हैं आप क्या हुआ, ये SO2PH और ये OMS दोनों हटके यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, किसके थ्रू हुआ और ये फाइनली बना क्या, ई एल्कीन बना। चूंकि यहां पर एंटी पहले से दे रखा था इसलिए एंटी करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको और हमारा प्रोडक्ट ई एल्कीन फॉर्म हो गया। अब देखिए इसमें किए क्या, आपको ये तो एक कंप्लीट मेथड हो गया सॉल्व करने का, जिस तरीका से आप पहुंच सकते हैं आंसर तक, लेकिन हम आपको एक अपना तरीका भी बताते हैं जिससे अगर हमसे अगर ये क्वेश्चन कोई पूछे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका मेथड हम आपको बताते हैं, आप उसको देखिए तो आपको समझ आएगा कि पेपर में आप कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। कुछ नहीं किए हम, सिंपल ये आपका सबस्ट्रेट दे रखा था और ये आपका दे रखा है, तो इस सबस्ट्रेट को इसके साथ एल्डिहाइड दे रखा है या कीटोन दे रखा, कुछ भी दे रखा, तो इसका जो कार्बन नंबर ए है और इसका जो कार्बन नंबर बी है, दोनों कार्बन को ए और बी को, या इसको ए लिखे हैं, एक मिनट रुकिए, ये कार्बन आपका ए है और ये कार्बन आपका बी है, दोनों कार्बन कार्बन ए और कार्बन बी को जोड़ दीजिए, कार्बन नंबर ए को और कार्बन नंबर बी को एंटी मैनर में करते हुए SO2PH और इधर से ऑक्सीजन को हटाते हुए जोड़ दीजिए, एंटी करके आपका जूलिया का प्रोडक्ट मिल गया सीधा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए इसको और इसको दोनों को जोड़ दिए, कैसे, एंटी में रखते हुए SO2PH को हटा दिए यहां से
और इस कार्बन से ऑक्सीजन को हटा दिए और दोनों को जोड़ के अपना ई प्रोडक्ट बना लीजिए, यही आपका जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन है। इसको नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन और देखिए, यह भी आपके बुक का एक क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन के ठीक बाद वाला क्वेश्चन है कैरुथर का ही। इसमें आपको सबसे पहले देखिए क्या करना है, देख रहे हैं आपको दिख गया एल्डिहाइड एक दे रखा है और SO2PH दूसरा दे रखा है, मतलब क्या है जूलिया का सबस्ट्रेट बनाना है आपको पहले और उसके बाद उस पर जूलिया ओलिफिनेशन करवाना है। क्यों? क्योंकि रिएजेंट भी आपको सोडियम और HG दे रखा है, मतलब आपको समझ आ गया इसको देख के एल्डिहाइड SO2PH और NaHG इसको देख के आप समझ गए कि यहाँ जूलिया ओलिफिनेशन होना है। तो करवा दीजिए जूलिया ओलिफिनेशन, कैसे करवाइएगा कुछ नहीं करना है, जो मेथड बताए सेम मेथड लगाइए, रिजल्ट लिखिए, कोई मैकेनिज्म करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टेक्निक लगाइए, आंसर लिखिए। इसको नंबर कार्बन का ए दे दीजिए, देखिए ये जो आपका है इसको कार्बन नंबर ए लिखिए और ये जो है इसको कार्बन नंबर बी लिखिए, एल्डिहाइड का कार्बन कार्बन नंबर बी और ये जो है सल्फोन के बगल वाला कार्बन इसको कार्बन नंबर ए लिखिए और दोनों ए और बी को ट्रांस में रखते हुए जोड़ दीजिए, मतलब ई बनाते हुए जोड़ दीजिए, तो बना दीजिए देखिए। ठीक है, ठीक है, और यहां से ये हो गया और यहां से फिर C और ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड बना दीजिए अगले कार्बन के साथ, कार्बन नंबर B हो गया और कार्बन नंबर A के साथ डबल बॉन्ड बनाइए और उससे आगे बढ़ाइए फिर इसको, ठीक है हाँ, और ये जो है यहां पर इसको ऐसे रख दीजिए और यहां इसको ऐसे रख दीजिए, समझ रहे हैं मेरी बात, तो फाइनली आपका यही प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए ये कुछ ऐसे जुड़ेगा, एक्चुअली ट्रांस में जोड़ना है ना, तो इससे ऐसे हाँ और ये ऐसे आ गया फिर और हाँ ये आपका ट्रांस में आ गया और ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किए, इसको लिख लीजिए यहां पे कार्बन नंबर बी और कार्बन नंबर ए दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हुए ई एल्किन बना दीजिए बस, और ज्यादा वहां पर दिमाग नहीं लगाना है, आपका जूलिया ओलिफिनेशन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात, इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये आपके पेपर का एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आपको, तो क्या दे रखा है सबसे पहले ये देखते हैं, क्वेश्चन देखिए आपको दिखेगा कि ये सल्फोन दे रखा है और उस पर एक एरोमेटिक रिंग लगा हुआ है और उसके साथ कोई एक और रिंग लगा हुआ है या ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, उसके साथ में एल्डिहाइड दे रखा है और उस एल्डिहाइड पे ये बड़ा सा ग्रुप लगा है और रिएजेंट में आपको NaHMDS दे रखा है, ठीक है, और जब आप ये देखिएगा तो इसको देख के आपको ये नहीं लगेगा कि ये कहां का क्वेश्चन है, आप इसको पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है, ये एक्चुअली क्या हम आपको बताते हैं, पहले इसको देखिए थोड़ा इसमें हो क्या रहा है, इसमें सबस्ट्रेट देख के आपको लग रहा है
कि यहां पर कुछ सल्फोन टाइप का दे रखा है, सल्फोन दे रखा है, उसके साथ एरोमेटिक रिंग लगा रखा है और बगल में sp3 कार्बन पे कोई ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है, sp3 के बगल में sp3। तो आपको इससे ये बात समझ आ रही है कि ये सबस्ट्रेट देखने में जूलिया का सबस्ट्रेट है, ये जूलिया का सबस्ट्रेट है और इसके साथ में एल्डिहाइड भी दे रखा है। मतलब सबस्ट्रेट अगर आप देखें तो आप सबस्ट्रेट को देखकर यह बात कह सकते हैं कि जो सबस्ट्रेट का कंडीशन है ऐसा ही कंडीशन जूलिया में होता है, ठीक है। अब देखिए जरा हम अपने प्रोडक्ट को देखते हैं कि प्रोडक्ट में क्या कर रखा है। चार ऑप्शन दे रखा है आपको प्रोडक्ट का, तो यहां पर देखिए आप क्या किया है, यहां पर इसको नंबरिंग दे दीजिए, ये जो आपका है इसको आप नंबर ए दे दीजिए और इसको आप नंबर बी दे दीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको नंबर ए और इसको नंबर बी दीजिएगा तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि इस चारों में ए और बी को जोड़ दिया है और इस सल्फोन वाले इस पूरे ग्रुप को हटा दिया है और इसको भी और यहां से इस ऑक्सीजन को हटा दिया है। देखिए ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी, ठीक है, एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको जोड़ दिया है। अब इससे आपको एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि अगर इसको ऐसे जोड़ा गया है, ए को बी से जोड़ा गया है और यहां से ओ हटा दिया और यहां से ये सल्फोन ग्रुप हटा दिया, इसका मतलब ये है कि यहां पर जूलिया तो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमको रिएजेंट नहीं दे रखा है जूलिया का, सबस्ट्रेट तो है जूलिया का नो डाउट, लेकिन हमारा रिएजेंट सोडियम अमलगम नहीं दे रखा है। अगर सोडियम अमलगम नहीं दे रखा है तो जूलिया तो नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि सबस्ट्रेट ये है और हमारे प्रोडक्ट में जो बना के दिया है वो भी हमारा जूलिया जैसा ही प्रोडक्ट है, मतलब एक बात तो फिक्स है कि जूलिया नहीं है लेकिन जूलिया जैसा ही कोई रिएक्शन है, ठीक है। हम ये आपको तब बता रहे हैं जब आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ये कौन सा रिएक्शन है, तब आप इसको बना रहे हैं। फिर हम आपको ये भी बताएंगे ये कौन सा रिएक्शन है और इसको प्रॉपर इसका क्या होता है, लेकिन अभी आपको नहीं पता है कि ये क्या है। तो इसको आप अगर पेपर में अनजान आ जाए तो आप इसमें ये सोचेंगे कि भाई ये जूलिया तो है नहीं, जूलिया जैसा कुछ है। तो जूलिया जैसा अगर कुछ है तो इसका प्रोडक्ट भी कुछ जूलिया जैसा ही बनेगा, और अगर इसका प्रोडक्ट जूलिया जैसा बनेगा तो जूलिया में मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, ई एल्कीन होता है। मतलब यहां पर भी हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, ई एल्कीन बनना चाहिए। ये फर्स्ट बार में आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। तो भाई ई एल्कीन अगर बनना चाहिए तो ई वाला आंसर होगा, जेड वाला नहीं होगा, तो काट दीजिए ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 काट दीजिए। इस दोनों में जेड एल्कीन बना रखा है, देखिए जेड जेड दोनों में जेड बना रखा है, ये नहीं होगा। अब दो ऑप्शन आपके पास बचता है, ए और मतलब फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड में अब एक बात बताइए, फर्स्ट और सेकेंड में अंतर क्या है? फर्स्ट और सेकेंड में अंतर ये है कि बनाया तो दोनों में ई एल्कीन ही है, लेकिन इस वाले में इस वाले में क्या किया है, ये दूसरे वाले डबल बॉन्ड की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसमें फर्क है। तो एक बात समझिए कि अगर रिएक्शन एल्डिहाइड पे हो रहा है
रिएक्शन अगर कार्बन नंबर बी पर हो रहा है तो इस डबल बॉन्ड का कोई यूज हो रहा है क्या? इस डबल बॉन्ड का कोई यूज नहीं हो रहा है। अगर इस डबल बॉन्ड का कोई यूज नहीं हो रहा है तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे चेंज होगी? मतलब इस डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री अनइफेक्टेड रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख लीजिए ये जो फर्स्ट और सेकेंड है, फर्स्ट वाले में इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को चेंज कर दिया है। देखिए यहां पर डबल बॉन्ड बना, उसके बाद ये मिथाइल है, ये मिथाइल इधर है, ये मिथाइल और ये डबल बॉन्ड के इधर, ये दोनों कैसे है यहां पर ट्रांस दिख रहा है आपको, ये ग्रुप और ये ग्रुप इस डबल बॉन्ड पे दोनों ट्रांस है। और यहां पर देखिए इसको, ये दोनों इस डबल बॉन्ड के सिस में आ रहा है। तो अगर ये सिस में आ रहा है और ये ट्रांस में है, मतलब यहां पर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ हुई है और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस डबल बॉन्ड पे कुछ रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। जब रिएक्शन नहीं होगा तो स्टीरियो कैसे चेंज कर देंगे आप? ठीक है, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा, बच गया आपका आंसर। तो फाइनली आपका ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप तब किए हैं जब आपको ये पता नहीं है कि ये रिएक्शन है कौन सा। जूलिया जैसा दिख रहा है लेकिन जूलिया है नहीं ये रिएक्शन। तो बेसिकली यहां पर आपको सोडियम अमलगम नहीं दे रखा है, ये रिएक्शन जूलिया का मॉडिफिकेशन है, जूलिया नहीं। जूलिया के दो मॉडिफिकेशन होते हैं जो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से हैं दो मॉडिफिकेशन जूलिया के। उसी में से एक मॉडिफिकेशन ये है जो कि आपसे पूछ दिया पेपर में, तो अगर आपको आता है तब तो आप कर लेंगे, अगर आप पढ़े हैं तो कर लेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इतना डीप में पढ़ के जाए कि जूलिया ही नहीं पढ़ पाते हैं, मॉडिफिकेशन कहां से पढ़ेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसको नोट कर लीजिए और आगे देखिए हम आपको जूलिया का मॉडिफिकेशन दिखाते हैं।